हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेक्स। इस वीडियो को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिइंबर्समेंट के क्या क्या रूल्स हैं। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन फिल करें। एंड तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेशन को आपको फिल कैसे करना है। एंड एप्लीकेशन आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप वहां से उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए एंड फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम रूल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि पे लेवल 7 तक सभी नॉन रजिस्टर्ड रेलवे कर्मचारी रिइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेक्स के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जिन भी रेलवे कर्मचारी हैं उनको मिनिमम 1 साल होना चाहिए सर्विस में जब भी वो एप्लीकेशन फिल करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि 3 साल में आप एक बार ही रिइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन ले सकते हैं। आपने एक बार ले लिया, देन 3 साल बाद आप एलिजिबल हैं दोबारा लेने के लिए। चौथा पॉइंट क्या है, जो भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसको डिवीजन के जो आंखों के जो डॉक्टर होंगे DMO AMO वो उसको वेरीफाई करेंगे एंड साइन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो वहां से आपको फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि रनिंग स्टाफ के जो भी एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि लोको पायलट हैं, एंड मेडिकल अथॉरिटी बोलती है कि उनको 2 पेयर्स उनके पास होने चाहिए, यानी 2 उनके पास स्पेक्स होने चाहिए, तो फिर उनको जो रिइंबर्समेंट का अमाउंट है वो डबल मिलेगा। जैसे कि 3500 भी फिलहाल है तो फिर उसको मिल जाएगा 7000 रुपये उनको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी जो रूल्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए कि भाई 3 साल में आप एक बार ले सकते हैं, मिनिमम 1 साल होना चाहिए, तो ये सब रूल हमने डिस्कस कर लिए। हाँ जी दोस्तों, तो अब डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ड्यूरिंग रिइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेक्स। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन जो हम दिखाएंगे आपको और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो एप्लीकेशन आपको अच्छे से फिल करनी है और उसको फॉरवर्ड कराना है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया हमारा एप्लीकेशन। दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, आपको ओरिजिनल रिसिप्ट, जो रिसिप्ट जो चश्मे की लेंगे दुकान से उसका जो ओनर है वो उस पर साइन करेगा एंड चश्मे की जो भी पावर है उसके ऊपर नोट कर देगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं अच्छे से, एक डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है और एक डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल रिसिप्ट, ये दोनों अटैच करके आपको सबमिट कर देने हैं SBF सेक्शन में। तो स्पेक्स भरने का जो फॉर्म है वो आपको विंडो पे शो हो रहा है, ये फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर स्कीम ये आ गया, देखो स्पेक्स आ गया 2022-23 के लिए ये फॉर्म था एंड इसके अंदर आपको बताया था पे लेवल 7 तक आप क्लेम कर सकते हैं एंड 3500 रुपये आपको रिइंबर्समेंट अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना हेडक्वार्टर डिवीजन यहाँ पे भर देना, देन उसके बाद में देखो ये बात लिखी हुई है कि 3 साल में आप एक बार ले सकते हैं। आई हैव नॉट क्लेम एनी रिइंबर्समेंट ऑफ द कॉस्ट स्टाफ बेनिफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है, देन उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द एम्प्लॉइज आ गया, देन उसके बाद में डेजिग्नेशन आपका आ जाएगा यहाँ पे, देन रेलवे एम्प्लॉय टेलीफोन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लेस वर्क एंड ऑफिस, बिल यूनिट आपकी आ जाएगी, देन मोबाइल नंबर आ गया आपका, देन आपका PF नंबर आ जाएगा इसमें, स्टाफ PF नंबर आ गया नीचे, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, पे लेवल क्या है, बेसिक कितना चल रहा है अभी आपका, पे लेवल MSCP लेवल उससे भी यहाँ पे आ जाएगा। अब मनी रिसिप्ट जो आपने रिसिप्ट ओरिजिनल रिसिप्ट के साथ में लगाई है, देन उसके ऊपर उसका रिसिप्ट नंबर होगा स्लिप का। सबसे पहले तो आप जहां भी परचेज करें वहां पे देख लेना रिसिप्ट नंबर, ये यानी बिल जो हो प्रॉपर हो, देन वहां पे डेट आपने जिस डेट को जो स्पेक्स परचेज किया है देन उसके ऊपर जो अमाउंट है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो 3500 रुपये सपोज आपको मिल रहे हैं, आपको बिल हुआ 3300 रुपये तो आपको 3300 रुपये ही मिलेंगे। अगर आपका बिल होता है 3800 रुपये तो आपको मैक्सिमम जो है अमाउंट है वो 3500 रुपये, तो 3500 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे, डेट ऑफ प्लेस लिख देंगे, देन यहाँ पे देखो ये आ गई है जो बिल क्लर्क है, जो हॉस्पिटल का जो बिल क्लर्क है वो यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा था कि जो बिल क्लर्क है वहाँ पे क्या करेगा, वो साइन करेगा, लिखेगा कि भाई इसने 3 साल के अंदर कोई भी जो है वो इसका किया नहीं है, वो उसके ऊपर डेट मेंशन कर देगा, ठीक है। देन यहाँ की यहाँ पे वो डेट डालेगा और आपको साइन करके वो फॉरवर्ड कर देगा। देन वहाँ पे आप DMO से जो रेलवे हॉस्पिटल के अंदर जो DMO है वो यहाँ पे स्टैम्प मारेगा और अपना साइन कर देगा, ठीक है। तो ये सारा पूरा फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंपल जो स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी है वहां पे आप इसको सबमिट कर देंगे और जो सुपरवाइजर है वो इसको सिंपली ले लेगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फॉर्म फिल करना है एंड आप इसको फॉर्म फिल करने के बाद में ऊपर का जो पोर्शन है वो भरने के बाद में हॉस्पिटल में लेके जाना, वहां पे जो हॉस्पिटल में जो क्लर्क है वो उसको वेरीफाई कर देगा कि भाई 3 साल में आपने लिया है नहीं लिया, ठीक है। करने के बाद में वो आपको साइन करेगा, देन आपको DMO से साइन करवाना है और एप्लीकेशन स्टाफ बेनिफिट फंड में सबमिट।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि रिमबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेक्स के रूल्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होंगे एंड फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको एग्जैक्टली कैसे वो प्रोसेस होता है कि भाई आपको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, डीएम उस पर साइन करेंगे, देन SBF में आप सबमिट करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो हैं वो स्टडी गाइड पे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर के रूल्स एंड उसके बाद में स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, बहुत सारी वीडियोज हमने अपने स्टडी गाइड चैनल पे डाली हुई हैं। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट पेपर्स डाल रखे हैं एंड नोटिफिकेशन हम उसके ऊपर डालते रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की क्विज भी उसके ऊपर चलती रहती है। तो कृपया टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ और रिमबर्समेंट के लिए जरूर अप्लाई करें। ओके दोस्तों, बाय बाय।